तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलामकुम, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 1 जनवरी 2024। नए साल के इस उपलक्ष्य में हम निकल चुके हैं अपनी एक रोड ट्रिप पर। वीडियो का टैग और नाम देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा, हम जा रहे हैं दिल्ली से अयोध्या। तो अयोध्या जाएंगे, इसके बाद सोचा है इस ट्रिप पर अयोध्या से थोड़ा सा आगे बनारस की तरफ, बनारस में एक दो दिन रुकेंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और बनारस से फिर चलेंगे वापस चित्रकूट की तरफ प्रयागराज होते हुए। तो देखते हैं, ठंड में अगर डुबकी लगाने का मौका मिला त्रिवेणी संगम में तो एक बार संगम में नहाकर और फिर पहुंचेंगे चित्रकूट। तो फिलहाल सवारी आज निकल चुकी है सुबह सुबह अयोध्या के लिए। आज का प्लान है बस अयोध्या पहुंचना। रास्ते में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसवे और इन सब की जानकारी देता हुआ चलूँगा, रास्ते में कहाँ खाएँ ये सब बताता हुआ चलूँगा और अयोध्या पहुँच जाएंगे। फिलहाल चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कैसा रहता है। आज आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा देखने में शायद, जो जानते हैं जिन्होंने हमारी रोड ट्रिप देखे हैं, मैं गाड़ी की इस तरफ नहीं बैठा होता, मैं हमेशा इस तरफ बैठा होता हूँ, लेकिन पापा ने कहा कि गाड़ी उन्हें चलानी है। अरे हाँ, और साथ में इस ट्रिप पे है कौन, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो मेरे बराबर में तो आपको दिख ही रहे पापा बैठे हैं, ससुर जी नमस्कार, और पीछे सासू माँ बैठी हैं, और पीछे ये जो लड़की हमेशा आपको मेरी सीट पर दिखती है जिस सीट पर मैं हूँ वहाँ आज मैं बैठा हुआ हूँ। फिलहाल हम चल रहे हैं एक्सप्रेसवे पर, तो अभी आगरा एक्सप्रेसवे आएगा, आगरा एक्सप्रेसवे के बाद हम चढ़ेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। लगभग 500 रुपये का टोल आगरा का और 655-70 का टोल कुछ है लखनऊ एक्सप्रेसवे का। तो अभी ड्राइव करते हुए लगभग 12 बज चुके हैं, तो लग गई है भूख और हम अभी आगरा टोल से थोड़ा सा पहले ही हैं, तो आगरा टोल पर ज़रा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। आगरा एक्सप्रेसवे पे फिर भी थोड़े रेस्टोरेंट थोड़े ठीक ठाक हैं, बट जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है उस पर अभी रेस्टोरेंट्स की क्वालिटी में वो बात नहीं है कि आप रुको और ढंग से खा सको, मजबूरी है तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द ब्रेक। तो चलिए, गाड़ी मैंने फिलहाल पार्किंग में लगा ली है और हम चलते हैं खाने पीने के लिए। छोले भटूरे बड़े बड़े आलू का पराठा नेहा का, और अम्मा और पापा ने लिए हैं मसाला डोसा। सांबर अच्छा है। चलिए हम यहाँ से खा कर निकलते हैं आगे के लिए और आपसे मिलेंगे हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, बने रहिए। उम्मीद के विपरीत खाना बहुत टेस्टी था। छोले भटूरे 180 रुपये और डोसा 150 रुपये, आलू पराठा 150 रुपये छोले और दही के साथ, लेकिन एक बंदे के लिए इनफ फिलिंग था, अच्छा पेट भर गया है और टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था। मैं अमेज्ड हूँ, ऐसे जनरली ढाबों पे जाना टेस्ट में ज़रा लोग गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन अच्छा खाना मिला, बहुत ज़बरदस्त बढ़िया। आए तो रुक सकते हैं इस वाले टोल पर, बढ़िया था। ये है जस्ट बिफोर दी आगरा टोल। अब कैसा लगा आपको डोसा? बढ़िया, मसाला डोसा बहुत बढ़िया, बढ़िया था ना? बढ़िया बढ़िया, हाईवे पर ऐसे खाना कम मिलता है, ये इम्पोर्टेंट थी। सांभर खाते ना पहली बारी में लगा वाव। चलिए अब सवारी आगे की तरफ। इस हाईवे पर ना एक जगह रनवे बनाया हुआ है, बिल्कुल प्लेन लैंड है और कभी भगवान ना करे इमरजेंसी में इंडियन एयरफोर्स को कभी जगह जरूरत पड़े अपने प्लेन्स को लैंड करने की, अपने फाइटर जेट्स को लैंड करने की, तो वो इस हाईवे पर किए जा सकते हैं। और यहाँ पर शायद तेजस ने यहाँ पे टचडाउन किया था और काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था यहाँ पर, बड़ा फेमस भी हुआ था इंडियन मीडिया में। अभी वो भी आने वाला है, देखता हूँ मैं दिखाऊँगा आपको। दिस इज़ द प्लेस एक्चुअली जहाँ पर टचडाउन हुआ था तेजस का, और यहीं पर वो एयर स्ट्रिप बनाई हुई है, यहाँ से ये शुरू होती है। बीच में जो बैरिकेड है ना, ये है टेम्प्रेरी बैरिकेड और ये यहाँ से शुरू होती है एग्जैक्टली, इसी पर टच डाउन हुआ। बीच में थोड़े से डिवाइडर हैं, ये टेम्प्रेरी डिवाइडर हैं, इनको हटाया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, और इसी पर लैंड हुआ था कुछ साल पहले तेजस प्लेन, शायद एक आध और भी लैंड नहीं, टच डाउन हुआ था एक्चुअली, लैंड नहीं हुआ था।
काफ़ी चौड़ा एरिया और काफ़ी लंबी ये लाइन है स्ट्रिप है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, लखनऊ के लिए निकलते हैं आगे। सफ़र अभी जारी है, लगभग एक घंटा लखनऊ पहुँचने में लगेगा। दोपहर के बज चुके हैं 3 और हमें लगभग 6 घंटे हो गए हैं दिल्ली से निकले हुए। तो 200 किलोमीटर बचा है अभी लगभग लखनऊ। आज लखनऊ में आपको एक भाई से मिलाता हूँ मैं, हम बहुत तगड़े ट्रैक वर्क भी करवाते हैं वो भाई साहब, मिलेंगे उनसे थोड़ी देर बाद। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ही वो हमसे मिलने के लिए आएंगे, हमारे विभीषण भैया। दिल्ली से चलकर सवारी आ गई है लखनऊ, और लखनऊ में बता रहा था ना एक विभीषण से मिलना है। ये रहा अपना विभीषण, मिस्टर शैलेश, महान घुमक्कड़ हैं। इनसे आप हमारी तुंगनाथ वाले ब्लॉग में मिले थे, है ना, तुंगनाथ में और उसके बाद ये उदयपुर वाले ब्लॉग में भी थे अगर आपने देखा हो तो। फिलहाल थोड़ी देर लखनऊ में स्टे लेना है। लखनऊ में स्टे लेने के बाद चाय वाय पी के यहाँ से निकलेंगे हम वापस अयोध्या के लिए। लगभग अभी 2 से 2.5 घंटे का सफ़र और बचा हुआ है। और शैलेश भाई, लखनऊ को अयोध्या का रोड कैसा है हमारा? रोड आपका स्टिल फैजाबाद बहुत अच्छा रोड है। ओके, फैजाबाद के आगे जो अगर कुछ काम चल रहा होगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं। और भीड़ कैसी मिलने वाली है हमें अयोध्या में? अयोध्या में भीड़ नहीं मिलेगी इतनी, बट ये कि आपको रास्ते तंग मिलेंगे फिलहाल तो। रास्ते तंग मिलेंगे, हाँ। ओके ओके, और फिलहाल आप हमें यहाँ कहाँ लेकर आए हुए लखनऊ में? ये घर से थोड़ा सा आगे बगल में लुलू मॉल पीछे ये बिल्डिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, लुलू मॉल के सामने। ओके ओके ओके, ये सुना मैंने लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है एशिया का। यस, लखनऊ के बाद भी सब कुछ बड़ा होता है, कुछ ऐसा है? मेरा दिल बड़ा है, सबसे बड़ा अभी लखनऊ का ही है। पिछली बार भाई मिला नहीं था लखनऊ आने पे ना? ना ना, आप लखनऊ किसी और के लिए आए थे। मैं तुमसे मिलने आया, मैंने डिसाइड किया। अरे ये मिलना चल रहा है यहाँ पर, हो गया चाय वाय पी ली और अब यहाँ से निकलते हैं वापस हम। ये लोग मिल रहे हैं ऐसे जैसे बहुत साल बाद मिले होती है तो ये लोग फिर निकल जाते हैं। कभी है वैसे तो ये कह रहे मैं आया था एक बार दिल्ली पर, ये लोग मैं नहीं बोलना चाहता, दिल्ली आए थे एक बार, फिर कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या इन्होंने किया था और कहाँ नहीं आए थे, ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम चलते हैं यहाँ से वापस अभी अयोध्या के लिए, ये तो करते रहेंगे ऐसे ही। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। तो जबरदस्त लखनऊ है ये वाला। पुलिस, मैंने तो लखनऊ का वो वाला एरिया देखा था, वो तो इतना फसड़ वाला था, चार बाग वाला। बारात के लिए गए थे, इसी से ही गए, ये हाईवे है ना। धन्नो वहाँ लगा दी है, ये है होटल, होटल सूर्य पैलेस, और यहीं बराबर में है रेस्टोरेंट। चलिए खाना खा लेते हैं हम तो जाकर। चेक चेक, नॉक नॉक, ओह यस वी आर हियर। सो वी हैव मेड इट टू दी अयोध्या नाउ, सो वी हैव मेड इट टू अयोध्या, हम अयोध्या आ गए हैं। अमी अयोध्या आ गया, सी असी अयोध्या में है। वेल रूम ले लिया है, आई मीन होटल में आ गए। हाईवे पर ही हम बिल्कुल ना अयोध्या को क्रॉस करते हुए, और जो अयोध्या सरयू नदी को क्रॉस करता है ना जो ब्रिज, उससे ठीक पहले ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर एक मस्त होटल हमें दिखा, सूर्या पैलेस। और हम ना पता है अंदर जा रहे थे वो ब्रिज क्रॉस करके, लेकिन वो ब्रिज उन्होंने बंद कर दिया है। अब ब्रिज नहीं, रोड, ब्रिज वाले तो है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, जहाँ पे आपने देखा होगा ना वो अयोध्या में सूरज लगे हैं पोल्स के ऊपर, भाई कितना झकास लग रहा था वो। और वो टीवी में देखने में ना वो ऐसा लग रहा है 1D, एक्चुअली वो 3D है और वो बहुत है। लेकिन वो रोड पे ना बैरिकेडिंग कर रखी है, वो अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दे रहे हैं जो वहाँ के रेजिडेंट हैं। वो ये कह रहे हैं गाड़ी बाहर लगाओ, आपको पैदल ही जाना है अगर होटल भी आपका अंदर है तो। तो ये भाई टेंशन थी, तो फिर हम वापस आए होटल सूर्या पैलेस में, रुक गए हैं, रूम लिया है, रूम अच्छा है, मस्त सा रूम है, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो नया रूम है, बढ़िया सा साफ सुथरा रूम है, बिल्कुल बाथरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो इसलिए अच्छा रूम हमें मिल गया है 1200 और मात्र 1200 रुपए पर नाइट, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। वरना ऐसा रूम, इससे भी छोटे छोटे रूम 3500 रुपए के हमने कई जगह पे लिए। खैर वो सब छोड़ो, और होटल की लोकेशन में डाल देता हूँ यहाँ पर, होटल सूर्या पैलेस, और इसका नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर नीचे, तो आने से पहले बुक कर सकते हो। बहुत बड़ा होटल है, बड़ी बड़ी बसेस भी आगे रुकी हुई हैं, और रूम्स भी ठीक ठाक है, स्पेशियस रूम्स हैं। और 3 बेडरूम वाला जो रूम था वो 1500 रुपए का है, उसमें 4 लोग रुक सकते हैं। ऑसम। सो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं खत्म, और आपसे हम मिलेंगे अगले व्लॉग में अयोध्या की बहुत ही प्यारी जगहें आपको दिखाने के लिए। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट। हम मिलते हैं अयोध्या के अगले व्लॉग में।